हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हॉट। इस लेक्चर में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के केस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। टू इंटू थ्री बाय टू, टू एक होल नंबर है और थ्री बाय टू एक फ्रैक्शन है। तो क्या मैं इस होल नंबर टू को 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं, 3 अपॉन 2। ये 2 न्यूमरेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 अपॉन, फिर हम डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 2। तो क्या हो गया, 6 अपॉन 2। इसे हम लोएस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं या रिड्यूस्ड फॉर्म जो आप बोलते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एचसीएफ लेते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, 3 टू आर 6, 1 टू आर 2। तो बेसिकली हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में बेसिकली यही होता है, हम न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने एक फ्रैक्शन ले लिया 4 अपॉन 3 और दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 3 अपॉन 7। तो इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 7। तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21। इसे अगर आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप इसका लोगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 3। 3 4 जा 12 एंड 7 3 जा 21। तो क्या हो गया, 4/7, 4/7 इसका आंसर आ गया। तो हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, और दूसरे केस में देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे रेसिप्रोकल्स। थैंक यू।